रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ अरसे से सऊदी अरब में जब से वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क की कमान संभाली है, तब से सऊदी अरब अपने बहुत सारे फैसलों से पूरी दुनिया को हैरान करता चला जा रहा है। प्रिंस MBS के नाम से जाने जाने वाले सऊदी वली अहद सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी मुतनाज़े शख्सियत बन चुके हैं। इसके बावजूद MBS के VN 2030 की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। सऊदी वली अहद के VN 2030 के मुताबिक सऊदी अरब को सन 2030 तक तेल की आमदनी से इनसार कम करते हुए मुल्की मईशत का रुख दीगर शोबाजात की जानिब मोड़ना है। इन शोबाजात में कॉटेज इंडस्ट्री यानी छोटी सनतें, एग्रीकल्चर और तामीराती शोबे शामिल हैं। इसके साथ साथ पूरे मुल्क को टूरिस्ट अट्रैक्शन बना देने पर भी काम किया जा रहा है। हाल ही में सऊदी साइंसदानों ने एक ऐसा काम किया है और एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है जिसके बारे में जानकर अमरीकी साइंसदान भी हैरानों परेशान है। इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अमरीका को परेशानी हो रही है, और इस बारे में सऊदी अरब की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ये सऊदी अरब की पूरी जमीन को बदल कर रख देगा। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के जरिए सऊदी हुकूमत कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी भी पूरी करने जा रही है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रिंस MBS के 2023 के VN में मौजूद ये आम तरीन प्रोजेक्ट कौन सा है जिससे पूरे मुल्क की तकदीर बदलने वाली है। तो दोस्तों, सऊदी अरब बराजम एशिया के जनूब मगरबी हिस्से में वाके एक सहराई मुल्क है। सऊदी अरब का ज्यादातर हिस्सा यानी 90% से ज्यादा हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है और यहाँ पर ज़राअत और काश्तकारी करना बहुत मुश्किल है। मुल्क के थोड़े बहुत हिस्सों में ही ज़राअत और काश्तकारी होती है, जबकि बाकी जगहों पर ज्यादातर खजूर के दरख्त ही उगाए जाते हैं, जो कि एक सख्त मौसम में फलने फूलने वाला दरख्त है। यही वजह है कि सऊदी अरब की मकामी खुराक में खजूर को बेहद अहमियत हासिल है और सऊदी अरब दुनिया भर में खजूर पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। लेकिन अब हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। प्रिंस MBS के VN 2030 के मुताबिक पूरे मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में ये मंसूबा बनाया गया है कि सऊदी अरब के कम अज कम 30-40% हिस्से को ज़राअत के काबिल बनाया जाएगा, जहाँ पे गंदम और इस तरह की दीगर अजनास समेत मुख्तलिफ फ्रूट और सब्जियां भी उगाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट पे सन 1970 से काम हो रहा है और सऊदी अरब अपनी जरूरत की गंदम अब खुद ही पैदा करता है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब का बेशुमार हिस्सा एक निहायत गर्म सहरा पर मुश्तमिल है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट को अब पूरे मुल्क तक फैलाने का मंसूबा बनाया गया है। सऊदी अरब में कोई दरिया नहीं है और न ही कोई नहर है। इसके साथ साथ सऊदी अरब में होने वाली सालाना बारिश की औसत भी 4 इंच के करीब है, यानी ये पूरा मुल्क अपने पीने के पानी के लिए जमीनी पानी पर इनसार करता है। पिछले 30-40 साल से समंदरी पानी की डीसेलिनेशन करते हुए इस पानी को पीने के काबिल पानी में तब्दील किया जाता है और वही पानी पूरे मुल्क में सप्लाई किया जाता है। इसी पानी को इस्तेमाल करते हुए और सहरा में रात के वक्त पड़ने वाली औस को जदीद साइंटिफिक तरीकों से इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए सऊदी साइंसदान अपने पूरे मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले में सऊदी अरब में 8 मिलियन यानी 80 लाख दरख्त लगाने का काम शुरू हो चुका है। इसमें सऊदी अरब के चंद मुंतखब करदा इलाकों में ये 80 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। इन दरख्तों में बहुत सारे ऐसे दरख्त भी हैं जो सऊदी अरब में निहायत कम रह गए हैं। इसके साथ साथ इन दरख्तों में कुछ ऐसी नस्लें भी मौजूद हैं जिनका वजूद ही सऊदी अरब से खत्म हो गया था। यानी अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट के आगाज से आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क को किस तरह से सरसब्जो शादाब बनाना चाहता है। जिस इलाके में दरख्त ज्यादा हो वहाँ पे बारिश भी ज्यादा होती है, और अगर बारिश ज्यादा हो तो बारिश की वजह से उस जमीन में नाइट्रोजन की मिकदार भी बढ़ने लगती है, और यूं दरख्तों का ज्यादा होना हर तरह से जमीन की जरखेजी का बायस बनता है, और सऊदी हुकूमत इसी पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के अगले मरहले में बगैर सूद की सरमायाकारी और कर्ज दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कोई भी सऊदी शहरी कर्ज और जमीन हासिल कर सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि जो जमीन भी हासिल की जाएगी उसका कम अज कम 20% मुकम्मल तौर पर दरख्तों और काश्तकारी के जरिए सरसब्जो शादाब बनाया जाएगा। यानी सस्ते और आसान कर्जों के जरिए सऊदी हुकूमत अपने मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाने में आवाम का तआवुन भी शामिल कर रही है। इससे न सिर्फ ज़राअत से मुतल्लिका छोटी इंडस्ट्री को फ़रोग हासिल होगा बल्कि सऊदी शहरियों का मयारे ज़िंदगी भी मज़ीद बुलंद से बुलंद होता चला जाएगा। और बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती बल्कि इस प्रोजेक्ट का अगला मरहला भी अपने आप में निहायत हैरान कन है।
मुआज़िज़ दोस्तों, सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने मुल्क में न सिर्फ दरख्तों की मादूम शुदा नस्लें दोबारा बहाल करने वाला है बल्कि इसके साथ साथ ज़राअत को फ़रोग देने से सऊदी अरब जनूब मगरबी एशिया के खित्ते में एक आम खिलाड़ी भी बन जाएगा। सऊदी अरब के आसपास जितने भी दीगर ममालिक हैं इन सब की सूरत हाल सऊदी अरब से अलग नहीं है। तकरीबन तमाम इलाके सहराई हैं और वहाँ पे इस तरह की ज़राअत का कोई वजूद नहीं पाया जाता। जमीनी तौर पर दरख्तों की तादाद में इजाफा करने और आसान शरायत पर गैर सूदी कर्जे के जरिए ज़राअत को फ़रोग देने के साथ साथ सऊदी हुकूमत एक और प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने का मकसद अपने इलाके में होने वाली बारिश की मकदार बढ़ाना है। इस सिलसिले में इस कुदरती तरीके के साथ साथ एक मसनूई तरीके पर भी काम किया जा रहा है। ये तरीका वैसे तो पिछले कई साल से पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल किया जाता रहा है लेकिन अब इसकी जिद्दत इस तरीके को नहायत दुरुस्ती से काम करने वाला बना चुकी है। हम बात कर रहे हैं मस्नूई तौर पर बारिश बरसाने के तरीकों की और इसी सिलसिले में सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात का तावुन भी हासिल करने वाला है। इसकी एक वजह ये भी है कि मस्नूई बारिश बरसाने वाले त्यारे और टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात के पास ही है। पाकिस्तान ने भी कुछ अरसा कबल मस्नूई बारिश का तजुर्बा करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की खिदमात हासिल की थी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यह जान लेना भी बहुत जरूरी है कि सऊदी अरब का यूं सरसब्जो शादाब हो जाना कोई इत्तेफाक या हैरत की बात नहीं है बल्कि ये एक पेशगोई है जिसका पूरा होना बहुत जरूरी है। खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गरामी है कि कयामत के नजदीक जजीरा नुमा अरब सरसब्जो शादाब हो जाएगा और जब ऐसा हो जाए और यहाँ पर हर मौसम की हर चीज मिलने लगे तो फिर कयामत नहायत नजदीक होगी। अब आप समझ सकते हैं कि दरअसल सऊदी हुकूमत जिस प्रोजेक्ट के जरिए अपने मुल्क की तकदीर बदलना चाहती है यही प्रोजेक्ट सऊदी अरब के लिए कयामत की निशानी बनने वाला है। सऊदी अरब के मुकम्मल तौर पर सरसब्जो शादाब होने में अभी काफी अरसा बाकी है लेकिन हमारे लिए इसमें एक बड़ी वार्निंग मौजूद है। जब सऊदी अरब का इलाका सरसब्जो शादाब होने लगे तो इसका मतलब यही है कि कयामत के नजदीक आने से कयामत के बाकी फितने भी पूरी दुनिया में सर उठाते जाएंगे और इन फितनों के दौर में अपने ईमान को सलामत रखना, शरीयत की पैरवी करना और लोगों के शर से बचकर रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इज्तमाई तौर पर अपनी और अपनी नस्लों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जरूरी इकदामात उठाएं और इन्हें आने वाले फितनों के बारे में खबरदार किया जाए ताकि इन फितनों का मुकाबला किया जा सके और अपने ईमान की हिफाजत की जा सके। एक बात जो अहम और याद रखने वाली है वो ये है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादे गरामी के मुताबिक इन फितनों से डायरेक्ट मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए इन फितनों का इल्म रखने के साथ साथ अपना ईमान बचाने का एक ही तरीका है कि इन फितनों से दूर भागा जाए और आबादी से जितना दूर मुमकिन हो सके रहा जाए। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि आखिरी जमाने में अपना ईमान सलामत रखने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा कि इंसान किसी दूर दराज और बयाबान इलाके की तरफ निकल जाए और आबादी से जितना हो सके दूर हो जाए। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।